Hi, in this video we will see how startups raise investment. Fundraise से पहले startups को bootstrap कहते हैं, जब एक entrepreneur अपने personal savings, friends and family and earnings from business पे depend करता है. Startup में financing तीन तरह के होते हैं, debt financing, equity based financing and grants. And we will discuss this in the order of volume and इसमें कैसे होता है. Debt funding is when you raise money from a bank or an NBFC and you pay interest to the loan taken. Equity funding is when you raise money by selling the shares of your company. Grants are usually given by any government, be it state or central government, under any particular scheme or any philanthropic institution to promote the business environment in a particular location. तो आइए अब समझते हैं what are the popular sources of funding for each of these categories. तो debt funding तो simple है, banks या NBFCs करते हैं. NBFCs होती है non-banking financial company, right? And banks and NBFCs जब business loan देते हैं तो ये higher rate of interest charge करते हैं as compared to other types of loans जो हम जानते हैं, जैसे कि home loan या personal loan या vehicle loans. अब अगर equity funding समझें तो equity funding दो टाइप्स ऑफ सोर्सेज से आती है यूजुअली. एक होता है एंजल इन्वेस्टर, दूसरा आता है वेंचर कैपिटल फंड. अब एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा फंड है, एंड वो इन्वेस्ट करते हैं. कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, एंड कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी लोकेलिटीज़, आपके शहर में होते हैं, जिनके पास, जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस कर रखा है, बहुत सारा पैसा है, एंड दे इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट इट बिकम्स अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट and raising money for them. If we compare angel investors to venture capital funds, venture capital funds are more active investors. Par aisa kyun? Venture capital fund ek institution hoti hai jinme ek particular pool of fund create kiya gaya hai, and wo fund wo strategically invest karte hain in a particular focus area. Jaise ki kuch venture capital funds hote hain jo ki fintech, you know, technology, e-commerce areas mein hi invest kar rahe hain, right? एंड कुछ वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल कॉज या फिर किसी फिलैंथ्रोफिक एक्टिविटीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं. तो फिलैंथ्रोफी से याद आया ग्रांट्स. ग्रांट्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर दिया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम, या फिर कोई फिलैंथ्रोफिक इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ी कंपनी जो कि CSR के लिए किसी स्टार्टअप में किसी ग्रांट के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है टू प्रमोट द बिजनेस एनवायरमेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन केस ऑफ अ ग्रांट आप वो स्कीम डॉक्यूमेंट्स पढ़ें एंड समझें कि एलिजिबिलिटी क्या है एंड आप वो ग्रांट कैसे ले सकते हैं. तो चाहे बैंक से लोन लेना हो या फिर इन्वेस्टर से इक्विटी फंडिंग, आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू प्रिपेयर दीज डॉक्यूमेंट्स. सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अ लोन, अदरवाइज कॉल्ड एज CMA रिपोर्ट और क्रेडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट. फॉर इक्विटी फंडिंग पिच डेक और बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडल शीट. फॉर ग्रांट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब समझते हैं व्हाट आर द प्रोज ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप ऑफ फंडिंग. ग्रांट्स के प्रोज ये होते हैं दैट यू डोंट हैव टू रिपे इट. डेट फंडिंग के प्रोज ये होते हैं दैट यू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस. वेर एज इक्विटी फंडिंग का प्रोज ये है यू गेट स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एंड lot of mentorship from the investors who come in with you. By the way, if you are looking for an investment loan or grant, comment below in the comment section and we will be happy to help you. We will be learning more about startup fundraising in the next video. Stay tuned and don't forget to click on the like, share and subscribe button. That's all for today. Thank you.